तो गाइस ये देखो आइसक्रीम चाउमीन आइसक्रीम चाउमीन चाउमीन आइसक्रीम, बस दो चीजों के पीछे पड़ा हुआ है ये। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब ठीक होंगे? अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। ये हो गए पापा भी रेडी। मैं क्या रेडी हो गया? शादी पे ऐसे जाओगे? वो सारे बोलेंगे भी ये ऐसे आते हैं। मैं तो ऐसे जाऊंगा। मेरे को कार की चाबी दे दो, कार में जाके ले जाऊंगा घूम के। कार का लेना देना होगा इसमें। तो गाइस जैसा कि आपने देखा आर्यन ने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया, और एक्चुअली में ना टाइम 5:30 हो गए हैं और दिन ना पहले से ना थोड़े छोटे हो गए, तो वैसे लगता है कि शाम के 6:30 बज गए हैं। जैसे ये देखो धूप चलेगी बिल्कुल ही। तो अभी फिलहाल आर्यन तो रेडी हो गया, आज हमने जाना है शादी पे, तो उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे पार मंडल में ही है प्रोग्राम, तो देखते हैं कितने बजे निकलते हैं। फिलहाल तो अभी नहाए धोए हैं, आ रहा तो रेडी हो गया टाइम से ही, तो फिलहाल तो घर पे बैठे हैं। आ रहा रेडी हो गया, मीनू ना रही है, रेडी हो रही है। और कल मैंने व्लॉग करा नहीं, तो कल एक्चुअल में ना आ रहा काना बना था, तो कल मैंने व्लॉग करा नहीं, तो वो वाला रह गया जो आ रहा काना बना था। तो मैं ना अभी आपको आगे फोटो दिखा रहा हूँ आ रहा काना बन के कैसा लग रहा है, तो आप देखना एक बार इसको। अभी आगे आने वाली फोटो आ रहेगी है। तो गाइज कैसा लगा आ रहा कांदा बन के? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम लड़की जैसा लग रहा था। तो कान में झुमके वगैरह डाल के ना लिपस्टिक लगा के जब मैं इसको लेने गया ना स्कूल में, तो मेरे को पहचान ही नहीं आया कि ये आ रही है। एकदम लड़की लग रहा था छोटी सी। और इसका टीका देखो, अभी भी दिख रहा है इसका टीका। एक बात तो पापा, जब मैं स्कूल गया था धोती बिना फटी पहन के गया था ना। हाँ कल इसकी धोती फटकी सच तो गाइस कल इसका जो सूट था ना, इसका जो बुरा आने वाला तो मिला नहीं कहीं से, थोड़ा सा छोटा था इसका सूट, वो डाल के चला गया और वहाँ जाके नीचे से धोती धोती सारी फट गई इसकी। आए फिर ऐसे नहीं आए लल्लू, तो मैं आपको पता नहीं चला धोती फटी है। तो गाइस मम्मी भी रेडी हो रहे हैं अभी ना, एज यूजल बाहर घूम रहा है, तो अभी बस मीनू नहा के आती है, मीनू चाय बनाती है, पहले चाय पीते हैं फिर देखते हैं क्या सीन रहता है। तो गाइस शाम के 6 बज गए हैं, तो अभी फ़िलहाल मीनू नहा के आ चुकी है और हमारी शाम की चाय भी आ गई, तो अभी पहले चाय पीते हैं फिर चलेंगे मार्केट। तो गाइस अभी पहले ना चाय पीते हैं फिर मार्केट चलेंगे, मीनू को पता नहीं कुछ सामान लेना है, तो आज शादी पर जाना है ना कुछ तो लास्ट टाइम तक रह ही जाएगा, तो उसको सामान दिला के लाएंगे जो भी उसने लेना है, तो पहले चाय पीते हैं फिर देखते हैं। तो गाइस चाय पी ली हमने और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं मार्केट। मार्केट में क्या करना है कि मीन कोई यहाँ पे ना हमारे रिश्तेदार हैं मीनूर के, वो आंटी का फ़ोन आया था, आंटी से कुछ से तो चला नहीं जाता, तो उन्होंने मीनू को फ़ोन कराया कि उन्होंने किसी को लड्डू गोपाल गिफ्ट देना है। मीनू को बोला कि तू लेके आ और जो पैसे लगेंगे मैं दे दूँगी। उन्होंने आगे किसी को गिफ्ट करना है क्योंकि मीनू को बोला, इसलिए हम जा रहे हैं मार्केट लड्डू गोपाल लेने के लिए, अभी बताया मीनू ने मेरे को। तो अभी चलते हैं और लड्डू गोपाल लेके आते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको हैप्पी जन्माष्टमी, मैं कहना भूल गया था, तो आज जन्माष्टमी है ना इसलिए सब हर जगह लड्डू गोपाल ही लड्डू गोपाल हैं। मीनू गई है अंदर लड्डू गोपाल लेने। आजा 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 आजा। ये देखो गाइस कितने झूले लड्डू गोपाल के, ये देखो ना छोटा सा ही बिल्कुल। तो गाइस आज जन्माष्टमी है ना, तो यहाँ झूले और लड्डू गोपाल का सामान देखना, ये सारे झूले हैं और उधर सारे बेड पड़े हैं। छोटा लग रहा है ना ये तो, ये देखना क्या लैस लगा रखी है इसका झूला देने के लिए ना। इधर देखो इस पे लैस, क्या तरीका तेरा। तो गाइस ये ना बार बार उठे जा रहा है क्योंकि लगभग 1 घंटा हो गया हमें यहाँ आए को, और मीनू अब भाई है फ्री होके, अब चल रहे हैं घर।
तो गाइज अभी थोड़ी देर में यहीं आना है हमको शादी पे, तो बस अभी घर जाते हैं, तैयार होके आते हैं। तो गाइज घर पे पहुंच गए हम, बस अभी पहुंचे ही हैं, अभी बस तैयार होके और चलते हैं शादी में। और गाइज ये देखो, ये छुटकू को लाने के चक्कर में हमें 1.5 घंटा लग गया। कभी इसके टोपी नहीं मिल रही थी, इसके ना कोई ड्रेस नहीं मिल रही थी, फिर माला लेनी थी, तो ये देखो ऐसा कुछ लाए हैं। ये जिनको देना है ना, जिन्होंने गिफ्ट देना है ना, उनको दे देंगे ये तो। और हमारे चारों लड्डू ये रहे, देखो आज जन्माष्टमी है ना, तो आप सबको हमारे चारों लड्डुओं की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। देखो सब ने एक जैसी ड्रेस डाल रखी है, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो गाइज अभी का सीन ये है कि घर पहुंच चुके हैं और मीनू अभी तैयार हो रही है शादी पे जाने के लिए। तो गाइज अभी फिलहाल मैं भी पहले पूजा करता हूं और उसके बाद मैं भी तैयार होता हूं, तो बस पहले जल्दी से मैं पूजा कर लूं, फिर तैयार होके फिर चलते हैं शादी में। तो गाइज रात के 9 बजने वाले हैं और देखो मैं भी रेडी हो गया, आर्या भी रेडी, उधर मम्मी भी रेडी, मीनू भी रेडी, अभिनव भी रेडी, तो अभी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं शादी के लिए। और ये देखो ये तो कब से रेडी होके बैठा है और तब से जान खाए जा रहा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और वहां जाते ही इसने क्या कहना है, मेरे को तो घर पे जाना है, मेरे को तो घर पे जाना है। वहां जाते यही बोलना है इसने कि मेरे को तो बस घर पे जाना है, 10 मिनट बाद यही बोलेगा। तो बस अभी सब रेडी हो चुके हैं, तो अभी पहले चलते हैं शादी वाले जगह पे। कहाँ पे है शादी? परिवार मंडल नहीं, व्यापार मंडल। तो गाइस ये शादी का वेन्यू, व्यापार मंडल, तो अभी अंदर चलते हैं, अभी तक तो शांति है, कोई डीजे नहीं चल रहा। तो गाइस शादी वाले वेन्यू पे पहुंच चुके हैं और अभी तक डीजे वगैरह नहीं चला है, अभी तक कोई डीजे नहीं चला है, तो मैं व्लॉग कर पा रहा हूँ। तो हमारी पहली डिश है पनीर, पनीर दाल चिल्ला और आर्या खा रहा है चाउमीन, तो अभी खाते हैं इसको। क्या कह रहे हैं भैया? देखो ज़्यादा होशियार बन रखा है आके, किधर जा रहा है, इधर आ पानी। तो गाइज एक वो पनीर दाल चिल्ला ही खाया है, उससे ही पेट ऐसे भरने को आ गया, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर माहौल देखते हैं। तो गाइज ये देखो यहाँ से लेके और वहाँ तक स्टॉल्स लगी हुई हैं और ये सारा घुमा के और वापस वही चाउमीन पे आ जाता है। घूम घूम फिर के इसको क्या खाना है, चाउमीन खानी है बस। मेरी बात सुनो, जब तक मेरा मुंह ढंका नहीं हो जाता चाउमीन से, तब तक मैं लाला तू उस चाउमीन का। लल मनियान तो सही कर ले। हां स्टेज पे क्या करना, कोई आए नहीं, दूल्हा दुल्हन तो आए फिर चलेंगे। तो गाइस दुल्हन की एंट्री पूरी ठाठा से हो रही है, ये जान खाए जा रहा है, कब से स्टेज पे जाना स्टेज पे जाना, देखते हैं क्या करता है जाके। तो गाइस ये दूल्हा दुल्हन, ये देखो गाइस स्टेज पे आके और पार्क वाले बेंच पे बैठा है लल्लू। तो गाइस अब ये बैठ गया आइसक्रीम के पीछे, अब इसको आइसक्रीम दिख गई बस, अब घूमेगा घूम घूम के, चल आइसक्रीम खाना नहीं खाएगा अभी, आइसक्रीम ही खाया जाएगा बस। स्टेज की आग लगी हुई है और ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं, वो मीनू की फ्रेंड है, ये उनकी बेटी, वो मेरे सांडू साहब, तो ये एक्चुअल में अबोर से आए हैं यहाँ मैरिज पे, तो यहाँ मिल गए हमें, तो मैंने कहा चलो इनको भी व्लॉग में ले लेते हैं। भैया साइड में चले गए थे, ये उनके बेटे हैं मीनू की फ्रेंड के, तो ये लगभग अपने मेरे व्लॉग सारे देखते हैं। ये जान खाया जा रहा है कि कब से स्टेज पे जाना है स्टेज पे जाना है।
या तो डांस कर वहाँ चल के। चल आ जा फिर, आ जा। नहीं तू यहाँ के भी बेंच पे बैठा है। गाइस बारात आ चुकी है और सालियों ने अपना बैरिकेड लगा दिया। अभी यहाँ रिबन कटिंग सेरेमनी होगी। तो गाइस ये देखो आइसक्रीम चाउमीन बस दो चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। ये घूमता है चल आइसक्रीम की तरफ, आइसक्रीम ख़त्म करता है घूमता है चल चाउमीन की तरफ। है जमूर है कि नहीं लल्लू लाल। तो गाइस अभी बस खाना पीना हो रहा है, खाना खाते हैं फिर चलते हैं। और ये देखो ये सारे हमारे पड़ोसी आए हुए हैं यहाँ पे, सब खाना खा रहे हैं, खाना खा के फिर चलेंगे। सब आस पड़ोस के ही हैं, ये सारे सब्सक्राइबर भी हैं हमारे। चलो हमें भी सब्सक्राइबर मिलने लग गए, चाहे पड़ोसी सही मिलने तो लग गए। तो गाइस फिलहाल जा रहे हैं घर पे, आर्या को पोटी का प्रेशर बढ़ गया तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं हम। तो गाइस रात के 12:30 बज गए हैं और अभी हम घर पहुंचे हैं। और ये देखो ये अपना होमवर्क करना भूल गया था एक सब्जेक्ट का, अभी कर रहा है ये। और वहां इसने मेरे को चला चला के थका दिया, कभी आइसक्रीम की तरफ कभी चाउमीन की तरफ, कभी आइसक्रीम कभी चाउमीन कभी आइसक्रीम कभी चाउमीन। और कुछ नहीं खाया इसने, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें थी और कुछ नहीं खाया इसने, बस आइसक्रीम और चाउमीन उसी से इसने पेट भर लिया। और मेरे को जो थकाया है ना इसने, पर हाँ ठीक है प्रोग्राम बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, अच्छा प्रोग्राम हो गया। तो अभी फ़िलहाल घर पे पहुँचे हैं, अभी ये सो जाएंगे और मैं चेंज करके अपने काम पे लग जाऊँगा। तो इस व्लॉग का एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस आपको नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।